हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ नसीमा खातून और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल लर्न विद नसीमा पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 11 विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। इस वीडियो में आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मेरी वीडियो को लाइक करना, ठीक है? और आप लोग को सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में याद करके जाना है। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 1857 का विद्रोह कब हुआ, ठीक है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है और कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो 1857 का विद्रोह कब हुआ था बच्चा? 10 मई 1857 को हुआ था, ठीक है? 1857 का विद्रोह कब हुआ? 10 मई 1857 को, ठीक है? आप लोगों को समझ में आ गया क्या 1857 का विद्रोह कब हुआ? 10 मई 1857 को हुआ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्रोहियों का जत्था लाल किले कब पहुंचा, ठीक है? विद्रोहियों का जत्था, यानी कि जत्था का मतलब होता है ग्रुप, तो वो कहाँ लाल किले कब पहुंचा ये पूछ रहा है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 मई 1857 को। कब पहुंचा? 11 मई 1857 को, यानी कि जब विद्रोह स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को, उसके एक दिन बाद, यानी कि 11 मई 1857 का जो विद्रोहियों का जत्था था वो कहाँ पहुंच गया था? लाल किले पहुंच गया था, ठीक है? ये क्वेश्चन आप लोग को याद हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शहरी से क्या अभिप्राय है, ठीक है? तो इसमें था कि जब विद्रोही का जत्था लाल किले पहुंचा तो लाल किले में जो बहादुर शाह जफर था वो क्या कर रहा था बच्चा? वो शहरी कर रहा था, शहरी करके वो नमाज पढ़ रहा था फजर की, ठीक है? तो यही पूछा गया है इसमें कि शहरी से क्या अभिप्राय। तो शहरी का मतलब क्या होता है या शहरी क्या होती है, वो क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि शहरी क्या होती है, ठीक है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोजों के दिनों में सूरज उगने से पहले का भोजन को शहरी कहलाता है, ठीक है? या शहरी कहलाता है, ठीक है? यानी कि रोजे के दिनों में जो सूरज उगने से पहले का जो भोजन होता है वो क्या कहलाता है? वो शहरी कहलाता है, ठीक है? समझ में आ गया। अगर आप लोगों से पूछेगा कि शहरी से क्या अभिप्राय, तो आप लोग बता दोगे आसानी से कि रोजे के दिनों में सूरज उगने से पहले का भोजन शहरी कहलाता है, ठीक है? ये क्वेश्चन आप लोग को याद हो गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्रोहियों ने विद्रोह का संकेत कैसे दिए, जो विद्रोही थे वो लोग उन कैसे लोगों को बताते कि हाँ अब उनको विद्रोह करना है, कैसे को मतलब किस तरीके से वो लोगों को बताते थे कि हाँ हम विद्रोह करने वाले हैं या हम विद्रोह करेंगे, ठीक है? तो वो कैसे बताते थे, उसका आंसर समझ लो कि तोप का गोला दाग कर, या तो वो क्या करते थे शाम को तोप का गोला दाग देते थे, या फिर बिगुल बजाकर, ठीक है? बिगुल कुछ सहनाई टाइप का होता, उसको बजाकर वो लोगों को ये संकेत देते थे कि हम क्या करेंगे, अब विद्रोह करेंगे, ठीक है? समझ में आ गया आप लोगों को कि विद्रोह कैसे संकेत देते थे विद्रोह का, तोप का गोला दाग कर या फिर बिगुल बजाकर, ठीक है? समझ में आ गया कैसे? तोप का गोला दाग कर और बिगुल बजाकर विद्रोही विद्रोह का संकेत देते थे, ठीक है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान अंग्रेजों का पिट्ठू किसे मानते थे, जो किसान थे वो अंग्रेजों का पिट्ठू किसे मानते थे, यानी कि चमचा किसे मानते थे? तो अंग्रेजों का पिट्ठू या चमचा किसे मानते थे किसान? अमीर व साहूकारों को। किनको? अमीर व साहूकारों को, ठीक है? समझ में आ रहा है अंग्रेजों का पिट्ठू किसे कहा जाता है, तो अमीर व साहूकारों को। या किसान अंग्रेज का पिट्ठू किसे मानते थे, तो अमीर व साहूकारों को किसान अंग्रेजों का पिट्ठू कहते थे, ठीक है? समझ में आ गया किसान किसे कहते थे अंग्रेजों का पिट्ठू? अमीर व साहूकारों को, ठीक है? उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कानपुर से विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया। अब ये जो विद्रोह हुआ उसमें कोई ना कोई लीडर तो होगा ना, कौन इन विद्रोह जो ये विद्रोह हो रहा था इनको लीड कौन कर रहा था, कौन इसमें नेता बना हुआ था, कौन नेतागिरी कर रहा था, ठीक है? कौन लोगों को बता रहा था कि कब क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, पैसे वैसे की जो मतलब जो पूर्ति कौन कर रहा था, ठीक है? तो इसमें कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो इसमें जो थे हमारे कानपुर से कौन कर रहा था? नाना साहिब कर रहे थे, ठीक है? कौन कर रहे थे? नाना साहिब। कहाँ से? कानपुर से। कानपुर से कौन कर रहा था? नाना साहिब कर रहे थे, ठीक है? समझ में आ रहा है आप लोग को कि कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? नाना साहिब कर रहे थे। और आप लोग को बता दूं कि मतलब बहादुर शाह जफर को जो लाल किले गए थे वो भी इसीलिए गए थे ताकि वो बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह में शामिल कर सके, उनको इसका नेतृत्व मतलब नेतृत्व दे सके, ठीक है? ताकि लोग इसमें जुड़े, क्योंकि जब राजा किसी विद्रोह का नेतृत्व करेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है। उसके बाद से लेकिन वो नाम मात्र का, ठीक है? नेता जो बना था, नेतृत्व तो जो कर रहा था बहादुर शाह जफर ने, नाम मात्र किया था, ठीक है? समझ में आ गया।
कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो झांसी से हमारे विद्रोह का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने। कहाँ से? झांसी से, झांसी की रानी। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन याद हो गया। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अवध व बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, अवध व बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो अवध से किसने किया बच्चों? अवध से किया नवाब वाजिद अली शाह ने। किसने? नवाब वाजिद अली शाह ने। कहाँ से किया? अवध से। बिहार से किसने किया? बिहार से किया कुंवर सिंह ने। किसने? कुंवर सिंह ने। विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया? बिहार से। याद हो गया, कानपुर से नाना साहिब ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, अवध से नवाब वाजिद अली शाह ने और बिहार से कुंवर सिंह ने। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नवाब के युवा बेटे बिरजस कद्र ने। ठीक है, किसने किया था? बिरजस कद्र ने। कहाँ से? लखनऊ से। लखनऊ से किसने किया था? नवाब के युवा बेटे, युवा मतलब जवान, आप लोगों को पता ही होगा, बिरजिस कदर ने क्या किया था? विद्रोह का नेतृत्व किया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है किन अफवाहों के कारण विद्रोह फैला, यानी कि जो विद्रोह फैला इतनी तेजी से वो किन अफवाहों की वजह से फैला? क्योंकि उस समय क्या हुआ था, कुछ अफवाहें, कुछ भविष्यवाणी की गई थी जिसकी वजह से विद्रोह रातों रात बहुत ज्यादा फैल गया। ठीक है, तो वो अभी हम अफवाहें पढ़ेंगे क्या अफवाह थी जिसकी वजह से ये विद्रोह बहुत तेजी से फैला था। तो पहली जो अफवाह थी वो थी गाय व सुअर की चर्बी का लेप कारतूस पर लगाना। ठीक है, ये अफवाह फैली थी कि जो अंग्रेज हैं वो जो कारतूस बन रहे हैं उनके ऊपर क्या लगा रहे हैं? गाय व सुअर की चर्बी का लेप लगा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हिंदू और मुस्लिम सभी दोनों का क्या हो जाएगा? धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अफवाह फैली थी कि जो अंग्रेज क्या कर रहे हैं, कारतूसों पर गाय व सुअर की चर्बी लगा रहे हैं जिसकी वजह से लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी जो अफवाह थी, दूसरी अफवाह क्या थी कि गाय व सुअर की हड्डियों का चूरा आटे में मिलाना। ठीक है, तो दूसरी अफवाह ये थी कि क्या कर रहे थे अंग्रेज, गाय व सुअर की जो हड्डियां होती है उनको पीस कर उनका चूरा किस में मिलाना? आटे में मिलाना। ये अफवाह थी जिसकी वजह से जो जनता थी वो भड़क चुकी थी, उन्होंने क्या करा था, अंग्रेजी राज के खिलाफ विद्रोह कर दिया था क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनका धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया आपको अफवाहें कि किन अफवाहों की वजह से विद्रोह फैला था? पहली अफवाह थी ये थी कि गाय व सुअर की चर्बी का लेप कारतूस पे लगाना, दूसरी अफवाह क्या थी, गाय व सुअर की हड्डियों का चूरा आटे में मिलाना। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अंग्रेजी राज को लेकर क्या भविष्यवाणी की गई थी, मतलब कि कौन सी भविष्यवाणी की गई थी अंग्रेजी राज को लेकर? तो ये भविष्यवाणी की गई थी, अभी मैंने बताया था ना आप भविष्यवाणियों और अफवाहों की वजह से विद्रोह फैला था, तो भविष्यवाणी की गई थी प्लासी के जंग के 100 साल पूरा होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। ये भविष्यवाणी की गई थी कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, उसके 100 साल पूरे होने पर 23 जून 1857 को जो अंग्रेजी राज है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कब हो जाएगा खत्म? प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद, यानी कि 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, ये केवल भविष्यवाणी की गई थी कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजों ने सती प्रथा खत्म करने के लिए कब कानून बनाया? ठीक है, अंग्रेजों ने जो सती प्रथा थी हमारे भारत में जो प्रचलित थी कि अगर कि मतलब कि किसी का अगर पति मर जाता है तो उसको उसके साथ ही जला देना चाहिए। ठीक है, तो ये सती प्रथा को कब मतलब खत्म करने के लिए कब कानून बनाया था अंग्रेजों ने? तो बनाया था सन 1829 में। ठीक है, समझ में आ गया, सन 1829 में सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बना दिया गया था। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का पेपर में कि सती प्रथा कब खत्म हुई थी या कब खत्म करने के लिए कब कानून बनाया गया था, तो सन 1829 में। ठीक है, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंग्रेजों ने किस विवाह को मान्यता देने के लिए कानून बनाया? ठीक है, कौन सा ऐसा विवाह था जिसको मान्यता देने के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया था? तो वो था हिंदू विधवा विवाह। यानी कि हमारे भारत में क्या था, जो विधवाएं होती थी यानी कि जिसका पति मर गया उसको तो वो साथ में ही जला देंगे। ठीक है, तो साथ में जला देंगे,
लेकिन ये बात तो गलत होगी कि चलो एक इंसान तो गया गया, साथ में उसकी बीवी को आप जला दो तो उनके बच्चों का क्या होगा, ये तो गलत बात है ना। तो इसीलिए अंग्रेजों ने क्या करा था, कानून बना दिया था कि जो हिंदू विधवा विवाह है, मतलब वो हिंदू जो है वो उनके अगर मतलब कोई लड़की विधवा हो जाती है तो वो दोबारा से शादी कर सकती है, ठीक है। उसके लिए उन्होंने कानून बना दिया था, उसको मान्यता दे दी थी कि हिंदू विधवा विवाह हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी लड़की को उसके पति के साथ जला दिया जाए, ये गलत बात है, ठीक है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेजिडेंट किसे कहा जाता था, रेजिडेंट किसे कहा जाता था, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ कि रेजिडेंट किसे कहते थे, गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को रेजिडेंट कहा जाता था। किसको कहा जाता था, गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। किसको, गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था, रेजिडेंट कहा जाता था, ठीक है। और रेजिडेंट क्या होता था, क्या काम होता था, ये समझ लो कि रेजिडेंट यह ऐसे राज्यों में तैनात होते थे जिन पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन नहीं होता था। यानी कि भारत में ऐसे राज्यों में इनको तैनात किया जाता था जहां पर अंग्रेजों का शासन नहीं था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, ठीक है। तो इनडायरेक्ट तरीके से वो शासन करते थे, किसके द्वारा, रेजिडेंट के द्वारा, किसके द्वारा, रेजिडेंट के द्वारा। रेजिडेंट कौन होते थे, गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि होते थे जो कि ऐसे राज्यों में तैनात होते थे जहां पर अंग्रेजों का शासन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता था, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को ये क्वेश्चन। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कब हुआ, किसने कहा था कि यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, ठीक है। गिलास फल का मतलब क्या होता है बच्चों, गिलास फल का मतलब होता है चेरी, ठीक है। आपकी बुक में अच्छे से दे रखा है, साफ साफ लिखा हुआ है चेरी। गिलास फल का मतलब क्या होता है, चेरी। तो ये बोला गया कि किसने और कब कहा था कि यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। तो ये कहा था 1851 में लॉर्ड डलहौजी ने। किसने कहा था, 1851 में लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, ठीक है। समझ में आ गया कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, किसने कहा था, 1851 में लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। और किसको लेकर कहा था, अवध को लेकर कहा था, ठीक है। ये मैंने नहीं दिया है, अवध को, अवध के लिए कहा गया था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहायक संधि कब व किसने बनाई, ठीक है। तो सहायक संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि जिसके द्वारा ये कहा, मतलब क्या होता था, एक रेजिडेंट को किसी राज्य में तैनात कर दिया जाता था और राजा से ये कहा जाता था, जो भी राजा इस पर मतलब हस्ताक्षर करता था उसे कहा जाता था कि उनका एक सैनिक टुकड़ी उनके राज्य में रहेगी और उसका खर्चा सब राजा वाजा उठाएंगे, ठीक है। और राजा को अगर किसी भी युद्ध में भाग लेना तो अंग्रेजों से पहले अनुमति लेगा, बिना उनकी अनुमति के कोई भी कार्य राजा नहीं कर सकता था। यानी कि राजा तो रहेगा वहां का लेकिन नाम मात्र रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो यही सहायक संधि थी। तो यही बोला गया कि सहायक संधि कब हुआ, किसने बनाई थी या किसने तैयार की थी। तो बनाई किसने थी बेटा, लॉर्ड वेलेजली ने बनाई थी। कब बनाई थी, तो 1798 में बनाई थी, ठीक है। किसने बनाई थी, लॉर्ड वेलेजली ने बनाई थी। और कब बनाई थी, 1798 में बनाई थी। किसको बनाया, सहायक संधि को, ठीक है। सहायक संधि क्या थी, एक सहमति पत्र था जिस पर कि राजा उस हस्ताक्षर करवाए जाते थे और राजा से कहा जाता था कि राजा उनकी मर्जी के बिना कोई भी युद्ध में भाग नहीं ले सकता, कोई भी फैसला नहीं ले सकता, किसी भी प्रकार का कर नहीं लगा सकता। और दूसरा चीज क्या है कि इनकी, अंग्रेजों की एक सैनिक टुकड़ी उसके राज्य में तैनात रहेगी जिसका सारा खर्चा कौन उठाएगा, राजा उठाएगा, ठीक है। और राजा उनके रेजिडेंट के मर्जी के खिलाफ कोई भी फैसला, कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करा सकता था अपने राज्य में, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। सहायक संधि, सहायक संधि कब व किसने कर बनाई थी, तो 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने बनाई थी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इस मतलब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो है, अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई थी, ठीक है। अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई थी, तो 1801 में अवध पर सहायक संधि को थोप दिया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, नहीं लॉर्ड डलहौजी नहीं, सॉरी, 1800, ठीक, 1801 में अवध पर सहायक संधि थोप दी गई थी, ठीक है। समझ में आ गया, 1798 में बनी थी, उसके 3 साल बाद 1801 में अवध पर सहायक संधि को थोप दिया गया था, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट्स करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आप लोग को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल लर्न विद नसीमा।